स्वागत तो है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज इन्वेस्टमेंट में आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में पिछले क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बाद में जिस तरह से एक एक लोअर सर्किट का ट्रेंड शुरू हुआ था वहां से स्टॉक ने एक बेस बना के फिर से रिवर्सल दिया है फ्रेंड्स पिछले तीन चार ट्रेडिंग सेशन से लगातार अपर सर्किट लग रहा है तो इस तरह की न्यूज़ फ़्लो फिर से स्टार्ट हो गया है कि शेयर लगातार अपर सर्किट लगते हुए बहुत ऊपर जा सकता है फ्रेंड्स तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या अब जो करेक्शन है वो पूरी हो चुकी है क्या शेयर अब जो है नॉन स्टॉप जो है एक बड़ा मूव दिखा सकता है अगर आपने आलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर किसी भी लेवल पर लिया हुआ है या फिर आप कोई फ़्रेश एंट्री करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए इस शेयर से जुड़ी ये बड़ी बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिए आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेके सारे कन्फ्यूजन्स आपके आज दूर हो जाएंगे आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर ने उन्नीस रुपये पचपन पैसे के आसपास का लो बनाने के बाद वहां से एक अच्छा मूव दिखाया है पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में लगातार अपी सर्किट लग रहा है फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर कंपनी में जो नंबर ऑफ शेयर इशूड हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वॉल्यूम बहुत हाई रहती है यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेशन है इसलिए हमने देखा है किसी भी साइड सर्किट लगे चाहे नीचे या ऊपर दोनों ही साइड जो खरीदने वाले हैं या फिर लोअर सर्किट पर बेचने वाले हैं वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है इसलिए जब भी इस स्टॉक में किसी भी साइड का सर्किट लगता है वो जल्दी से दो तीन चार पाँच ट्रेडिंग सेशंस तक कंटिन्यू रहता है टूटता नहीं है फ्रेंड्स जिस स्टॉक ने अपने जो रिसेंट के हाइज बनाए थे पचपन अट्ठावन रुपये के वहाँ से ये स्टॉक सिग्निफिकेंटली पचास साठ परसेंट तक करेक्ट हो चुका है उसके बाद भी काफ़ी सारे लार्ज नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि ये स्टॉक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अभी भी सौ रुपये तक जाने का दमखम रखता है ये ही एक कारण है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टॉक में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेशन और बाइंग इंटरेस्ट है कि जिसकी वजह से स्टॉक जो है जब भी थोड़ा नीचे आता है तो वहाँ से बाइंग देखने को मिलती है और बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ अपर सर्किट लगता है स्टॉक में कहीं ना कहीं फिर से ऑपरेटर भी काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं काफ़ी सारे लोग पिछली बार पम्प एंड डंप में ट्रैप हुए थे तो क्या इस बार भी स्टॉक ऊपर जाके जो है ऑपरेटर का गेम यहाँ पर एक्टिव होगा या सच में कुछ फंडामेंटल चेंजेस ऐसे आने वाले टाइम में कंपनी में हो रहे हैं जो स्टॉक को ऊपर लेके जा सकते हैं और वो जो अपराइस इस बार आएगा अप ट्रेंड आएगा स्टेबल भी रहेगा फ्रेंड्स फिलहाल स्टॉक का सी एम पी साढ़े इक्कीस रुपए है ध्यान से अगर आप ये बात समझ गए तो आप समझ जाओगे कि आपको आलोक खरीदना है या नहीं खरीदना है और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा साढ़े इक्कीस रुपये दस हजार छह सौ करोड़ रुपये इसकी मार्केट कैपिटल बैठती है यहाँ पे एनुअल सेल्स पैंतीस सौ करोड़ के आसपास की है यहाँ पर जो है कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर से लॉस ही दिखाया है तो प्रॉफिट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं इस स्टॉक में जितना भी स्पर्ट आपको देखने को मिला है पीछे भी है अभी भी देखने को मिल रहा है उसका कोई भी ना बेस फंडामेंटल है ना कोई रीज़न फंडामेंटल है सिर्फ और सिर्फ रीज़न एक ही है रिजूमर्स और एक्टिवली पार्टिसिपेशन रिटेल इन्वेस्टर्स का और कहीं ना कहीं ऑपरेटर का फिर से इन्वॉलमेंट जब से स्टॉक सिग्निफिकेंटली करेक्ट हुआ है यहाँ पर फंडामेंटली ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जो उसके वैलुएशन को जस्टिफाइड करता हो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मार्केट कैपिटल पेज इंडस्ट्रीज़ की भी बीस इक्कीस हज़ार करोड़ है वो शेयर तो बीस हज़ार है अरे वहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स इशूड भी तो बहुत कम है अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा इशूड हो जाएंगे अगर वहाँ पेज इंडस्ट्रीज भी अपने शेयर को कल जो है स्प्लिट कर दे और फ्रेश शेयर्स इशू कर दे वहाँ पर या बोनस दे दे नंबर ऑफ़ शेयर्स कई गुना हो जाएंगे तो उसी रेशियो में जो है शेयर का प्राइस नीचे आ जाएगा अल्टीमेटली आपको देखना है sales to market capital या फिर profit to market capital. Sales to market capital में ये शेयर sales के चार पांच गुना पे ट्रेड कर रहा है मार्केट कैपिटल वाइज प्रॉफिट की तो हम बात ही यहां पे नहीं कर सकते हैं. तो आप समझ लीजिए कि हर एंगल से स्टॉक महंगा है अब बात आती है आगे की चाल कैसी रह सकती है फ्र हाई वैल्यूएशंस हैं इस केस में कोई दो राय नहीं है पर अब प्रमोटर रिलायंस है तो स्टॉक दोबारा दस रुपये के नीचे चला जाए पाँच रुपये चला जाए आठ रुपये चला जाए इवन बारह तेरह रुपये भी आए इस बात के चांसेस बहुत कम है पर यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि स्टॉक यहाँ से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं दिखाने वाला है क्योंकि अगर ये स्टॉक यहाँ से दस रुपये भी बढ़ जाता है ध्यान से समझिए तो ही इसकी मार्केट कैपिटल पंद्रह सोलह हज़ार करोड़ हो जाएगी जो किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है नियर टर्म में शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज जिस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट करती है आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए उस बात के चांसेस भी ना के बराबर है फंडामेंटल चेंज भी अगर आएंगे तो वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएंगे क्योंकि बाइंग इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है र्यूमर्स बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से जो अपर सर्किट पर वॉल्यूम है उसको देखते हुए हो सकता है अगले तीन चार ट्रेडिंग सेशन स्टॉक अपर सर्किट का ट्रेंड दिखाएं पर उसके बाद स्टॉक में जो है अपर सर्किट भी टूटेगा और नॉर्मल ट्रेडिंग भी स्टार्ट होगी अब जो इसका अगला मूवमेंट होगा वो क्वार्टर टू के रिजल्ट के बेस पर होगा जो सितंबर के मीडिया एंड तक आ जाना चाहिए अब बात आती है जो ऊपर के लेवल पर फंसे हैं या फ्रेश एंट्री करने के सोच रहे हैं या सी के आसपास खरीदा है उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फ्रेंड्स ये स्टॉक रिलायंस की एंट्री के बाद में कोई इतना ज़्यादा खराब नहीं है कि जो आपको है कि आपकी कैपिटल को इरोड कर दे पाँच रुपये चला जाए चार रुपये चला जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फंडामेंटल चेंजेस आएंगे पर जो ये सोच के ख़रीद रहे हैं कि तीन महीने में छः महीने में सौ रुपये चला जाएगा पचास रुपये चला जाएगा उनको इस बात को समझना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है यहाँ पर इस स्टॉक को अगर आपने लिया आप एक साल का नज़रिया रखिए आपको एवरेजिंग करनी है आप तब करिए जब स्टॉक करेक्ट हो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इक्कीस बाईस रुपये का रेट चल रहा है अभी भी स्टॉक अगर क्वार्टर टू के रिजल्ट ख़राब आते हैं या फिर मार्केट थोड़ा करेक्ट होती है या सर्किट का योरिया कम होता है नीचे के लेवल्स आपको इन लेवल से भी दिखा सकता है एवरेजिंग आप तब करें जब स्टॉक नीचे आए वो गलती मत करना कि स्टॉक चार पांच सर्किट के बाद चौबीस पच्चीस रुपए पहुंचे वहां सर्किट खुले और वहां ख़रीद लो कि अब हमें मौका मिल गया अब तो तीस रुपए जाएगा पचास रुपए जाएगा आप फिर से ट्रैप हो जाओगे स्टॉक नीचे आ जाएगा तो आपको पंप एंड डंप में ऑपरेटर गेम में ट्रैप नहीं होना है भागते हुए स्टॉक को नहीं पकड़ना है जो ऊपर के लेवल पर फंसे हैं वो करेक्शन में छोटे छोटे क्वांटिटी में एक्यूमलेट करें एक डेढ़ साल का नज़रिया रखें अगर एवरेजिंग अपनी खींच के तीस पैंतीस रुपए के आसपास लाते हैं तो एक डेढ़ साल में आपको निकलने का मौका मिलेगा हो सकता है आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी हो जाए पर अगर आप इस माइंड के साथ अभी भी आलोक इंडस्ट्रीज़ में बैठे हैं कि सर्किट लगा आप पर का तो अब रुकेगा ही नहीं लगातार पचास रुपये जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है और सर्किट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अपर सर्किट पे आप बेचोगे नहीं लोअर सर्किट पे आप खरीदोगे नहीं आप सिर्फ पंप एंड डंप में ट्रैप हो जाओगे जिनके पास है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म का नज़रिया अगर रख सकते हैं तो भी स्टॉक में जो है फ्रेश परचेज करें अदरवाइज आलोक को अवॉइड करें यहाँ कुछ भी ऐसा फंडामेंटल डेवलपमेंट नहीं है जो स्टॉक को शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ा अपमूव दे फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू